एसएससी एमटीएस 2021 परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप लोगों की एग्जाम डेट जो है 1/7 से लेकर, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है 1/7/2021 से लेकर 20/7/2021 के बीच यहाँ पर शेड्यूल्ड था। ठीक है, अब यहाँ पर एसएससी की जो एग्जाम होती है, आप लोगों को पता है कि जो एग्जाम होनी है उसका 1 महीने पहले ही अपडेट दे दिया जाता है। तो यहाँ पर लगभग जो है आप लोगों का अभी तक अपडेट आ जाना था कि एसएससी एमटीएस की एग्जाम सही समय पर होगी। तो देखिए, जो तय समय हुआ था उस तय समय पर आप लोगों की एग्जाम नहीं होने वाली है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब तक होने वाले हैं और कब तक इसके एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए जाएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो एसएससी से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, एसएससी के अगर पुराने डाटा को देखा जाए तो जो आप लोगों के फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट रहती है उससे लेकर 2 महीने के बाद से आप लोगों की एग्जामें शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 25 मार्च को ही इसके फॉर्म फिलअप की डेट खत्म हो चुकी थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोगों की जो एग्जाम है उसके 2 महीने से लेकर 2.5 महीने के बीच यहाँ पर शेड्यूल्ड थी। ठीक, अब कोरोना के कारण आप लोगों की वो एग्जाम नहीं होने वाली है और उसके लिए यहाँ पर जो एग्जाम डेट थी आप लोगों की 1/7/2021, ठीक है, ये पोस्टपोन हुई है या नहीं हुई है इसको लेकर भी अभी एसएससी ने कोई जानकारी नहीं दी है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की जो आप लोगों की सीएचएसएल की एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो एग्जाम जो है समय पर थी लेकिन अब उसको आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा कि आपके 15 तारीख के पहले पहले एसएससी का जो है नया अपडेट आना है। ठीक, क्योंकि नया कैलेंडर जब जारी होगा तो उसमें जो एग्जाम होनी है उसको पूरा जो है मेंशन किया जाएगा। तो कब तक आप लोगों की एग्जाम होने की संभावना है और कब तक आप लोगों के एडमिट कार्ड आने की संभावना है इसके बारे में जानते हैं। लोगों का नया कैलेंडर आना है, ठीक है। अब वो 15 को आ सकता है या 14 को आ सकता है या फिर जो है आज भी आ सकता है, ठीक है, वो कभी भी नया कैलेंडर जारी हो सकता है। तो आप ये लेके चल सकते, देखिए आप पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि आपका 1/7/2021 से जो एग्जाम शुरू होनी थी वो नहीं होगी, वो आपका 1 महीने से लेकर 1.5 महीना आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नया कैलेंडर आज आप लोगों को देखने को मिल सकता है या फिर 15 तारीख के पहले पहले कभी भी देखने को मिल सकता है। उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि एसएससी एमटीएस की जो नई एग्जाम डेट है वो क्या है, आप लोगों के एडमिट कार्ड कब जारी होने वाले हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल्स आप लोगों को जल्द 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो एसएससी जो काफ़ी लेट भी कर रही है कि आप जो है नया शेड्यूल कब तक क्या आएगा उसको भी लेकर काफ़ी बच्चे इंतजार है। नया पूरी जो एसएससी की एग्जाम होनी है, ठीक है, उसका भी पूरा शेड्यूल आना बाकी है। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी कि आप लोगों का आज या फिर कल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा नया जो कैलेंडर है और उसमें पूरी डिटेल्स आप लोगों को मेंशन हो जाएगी। जो भी एसएससी से जुड़ी अपडेट आएगी वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एसएससी की हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचे।